कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट। फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने अजीबोगरीब कारनामों से गाहे बिघाए सुर्खियों में बना रहता है। इसका ताजा उदाहरण है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर परीक्षा के बाद रिजल्ट निकालने के लिए मूल्यांकन कार्य में लगाए गए शिक्षकों की जारी की जाने वाली प्रतिनियुक्ति पत्र। इस पत्र में ज्यादातर शिक्षकों के नाम इस तरह से लिखे हुए हैं कि उन नामों का व्यवहारिक रूप से कोई औचित्य बनता ही नहीं है। इस पत्र में एक या दो नाम नहीं बल्कि दर्जनों शिक्षकों के नाम अजीबोगरीब ढंग से लिखे गए हैं। मिसाल के तौर पर शिक्षिका कोमल चौधरी का नाम पत्र में जेंटल चौधरी लिखा हुआ है, जबकि प्रभा कुमारी का नाम ओरा वर्जन लिखा हुआ है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। अजीबोगरीब नामों की सूची यहीं खत्म नहीं होती है। किसी शिक्षक का नाम बिलविट तो किसी का नाम ओरा, तो किसी का नाम डिस्क्रीशन, तो फिर किसी का नाम बेनिफिशियरी कुमारी लिखा हुआ है। गौरतलब हो कि सारी गड़बड़ी मूल्यांकन में सहयोगी मार्क्स पोस्टिंग पर्सन यानी कि MPP की प्रतिनियुक्ति के लिए जारी सूची में नजर आ रही है। राजकीय मध्य विद्यालय की दो शिक्षकों जिनका मार्क्स पोस्टिंग पर्सन यानी कि MPP के लिए नाम अजीबोगरीब बनाकर पत्र के लिए जारी हुआ है, उन्होंने कहा है कि इस पत्र के आधार पर हम लोग ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे। विभाग को वैसे भी हम लोगों को इंटर मूल्यांकन में प्रतिनियुक्ति नहीं करानी चाहिए, क्योंकि हम लोग मध्य विद्यालय के टीचर्स हैं। इस तरह से नाम आने के बाद हम लोग सिर्फ मजाक के पात्र बन गए हैं। ये विद्यालय में से किस क्लास तक चलता है? ये 1 से 8 तक। तो क्या इस वर्ग के विद्यालय मतलब क्लास स्तर के विद्यालय में क्या इंटर मूल्यांकन में लोगों को भेजा जाना चाहिए कि नहीं भेजा जाना चाहिए? आपका इस बार नाम क्या लिख कर आया उसमें? जेंटल चौधरी। नाम क्या आपका? कोमल चौधरी। तो क्या वो चिट्ठी आपको मिली है क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिली है। कैसे मालूम चला आपको? हम लोग को BRC ग्रुप से मतलब वहाँ पे PDF आया, उससे हम लोग को पता चला है। आपके अलावा और कितने शिक्षकों का नाम उसमें शामिल है इस विद्यालय के? अभी तक तो 2 शिक्षक है। क्या लगता है कि मतलब कि ये जो गलती की गई है जी, वो इस लोग के लिए क्या कहेंगे जो गलती हुई है नाम को लेकर के? पहले तो हम लोग 1-8 में आते, हम लोग मिडिल स्कूल में, तो हम लोग की तो ड्यूटी लगनी नहीं चाहिए। उसके बाद ये लोग हम लोग की ड्यूटी लगा देते हैं MPP में हमेशा। तो नाम जो लिखा गया है जेंटल जी, तो क्या इससे किसी ने आपको चिट्ठी हस्तगत कराई है क्या आपको भी? नहीं सर, अभी तक तो मुझे मेरे हेडमास्टर ने भी प्रोवाइड नहीं करवाया चिट्ठी। तो ये चिट्ठी की मतलब की बात क्या है, इसकी अथेंटिसिटी क्या लग रही है आपको? जब नाम ही गलत है तो क्या आप लोग योगदान करने जाएंगी? नहीं सर, नहीं जाएंगे। वहीं दूसरे टीचर जिनका नाम प्रभा कुमारी है, उनका नाम यहाँ पर ओरा वर्जन है। खुद सुनिए उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। आपको किस पद के लिए अभी तक बुलाया जाता रहा है? MPP। कितने सालों से बुलाया जाता रहा है? 2 सालों से। नाम आपका कुछ गड़बड़ इसमें दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगी इसको लेकर के, जो शिक्षा विभाग का काम है शिक्षा देना? पहले तो सर मैं ड्यूटी करना मैं नहीं चाहूंगी, और फिर लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, तो मैं करना नहीं चाहूंगा। जो नाम इस तरह से निकला है आप लोगों का, हास्यास्पद नाम निकला हुआ है, तो इसको क्या संदेश किया जा रहा है उस समाज में कि भाई शिक्षक, शिक्षा विभाग जब इस तरह की गलती करेगा? शिक्षक का मजाक बनाया जा रहा है सर, नियोजित टीचरों का खासकर। इस संबंध में आप लोग कहीं कोई अपनी आवाज उठाएंगे क्या? सर उठना भी उठना चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए। वहीं इसे विद्यालय के अन्य शिक्षकों का कहना है कि हम लोग बच्चों को सही शिक्षा देकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम करते हैं। जब शिक्षा विभाग ही इस तरह की हरकत करेगा तो क्या कहा जा सकता है। लोगों के बीच हमारा अच्छा खासा मजाक भी बन गया है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मिडिल स्कूल के टीचर को तो नहीं देना चाहिए इस मूल्यांकन में, ना तो उस सिलेबस का हम लोग को ज्ञान है, ना ही हम लोग पढ़ाए हैं उन लोगों को, तो कुछ पता है नहीं, तो हम लोग मूल्यांकन कर कैसे पाएंगे उसको। दूसरा चीज कि नाम ही सही नहीं आया है, तो हम समझे कैसे कि वो मेरी ड्यूटी है। और पब्लिक में आने के पहले उसको चेक करना चाहिए था ना, क्या नाम है, किस स्कूल से है, कौन से शिक्षक है,
कुछ नहीं देखा गया, पेपर में आ गया पूरा। इस चीज को लेके पब्लिक में भी मजाक बन रही है, तो ये सही चीज नहीं है। तो हमारा भी मान मर्यादा है, हमारे विभाग को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। वही इस मामले में सारण के जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार ने ऑन कैमरा बात करने की जब उनसे कोशिश की गई, तो पहले तो उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से बिल्कुल मना कर दिया गया। ऑफ कैमरा उन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई सूची नहीं आई है, सारी सूची संबंधित विद्यालयों की रजिस्टर मेल पर आई है। जब मेरे पास कोई सूची बोर्ड भेजेगा तब हम इस पर बात कर सकेंगे। चाहे गलती टाइपिंग में हो या फिर गलती सॉफ्टवेयर की हो, लेकिन इतना तो तय है कि इसमें शिक्षा विभाग का अच्छा खासा मजाक बन ही गया है। छपरा से इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है आलोक कुमार ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।